क्या निकल के आता है सामने, केक बनता है या कुछ और बन जाता है। ओह माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुसुम व्लॉग्स, दिस इज सूरज। अभी चल रहा है लॉकडाउन, सो ऑब्वियसली इमरजेंसी, इमरजेंसी में हमारी सोसाइटी में एक आ गया है बर्थडे। सो अब बर्थडे आ गया है तो बर्थडे में हम लोगों ने इमरजेंसी में इमरजेंसी वाला केक बनाया है। अभी केक कैसे बनाया है, तो ऑब्वियसली केक बना सकते थे ओवन के अंदर, बट हमारे पास पूरा जो मटेरियल होता है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एक दिमाग लगाया है। बचपन में मम्मी से सीखा था, मम्मी बनाती थी, एक मिनट, मम्मी बनाती थी हलवा सूजी का, और उसको प्लेट में सजा के उसके ऊपर कैंडल डाल के, सो वो केक वाला ट्रीटमेंट हो जाता था। सो अभी हमने वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। हलवा तो बन के तैयार हो गया है, ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया है, मुझे नहीं आता हलवा बनाना। सो बीवी ने बनाया है और काफ़ी टेस्टी बनाया है, टेस्ट किया हमने। अभी हम उसको केक में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा बन के तैयार होता है। सो चलो डालो इसको, लेट्स सी एंड होप कि ये केक हमारा तैयार हो गया हो, शायद से, मतलब केक नहीं, केक के शेप में यह हुआ तैयार हो गया हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या निकल के आता है सामने, केक बनता है या कुछ और बन जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट केक। वाओ। सो अभी इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी जाए, आराम से आराम से आराम से, अभी बिल्कुल ताजा है, वो खराब हो सकता है केक। हाँ हाँ, थोड़ा सा प्लेट में डाल दो। कैसा लगा? परफेक्ट। वेयर इज द कैंडल? देरे, वेट। सो इस तरीके से केक तो बन के तैयार हो गया है, इट लुक्स लाइक केक परफेक्ट। यदि इसके ऊपर क्रीम वगैरह का गार्निशिंग कर पाते हैं हम लोग तो ये परफेक्ट केक लगता, बट देन ठीक है, एक कैंडल क्रीम नहीं तो नहीं सही, ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये। एक कैंडल तो काफी होगा ना? अच्छा, और सो हमने क्या किया है, केक के चारों तरफ से बिस्किट डाल दिया है। अभी बिस्किट अच्छा लग रहा है देखने में, ये बिस्किट देखो गिर गया, इसको इसको ऐसे एक मिनट, इधर आओ, परफेक्ट, कैंडल इज देयर। सो नाउ हमारा केक तैयार हो चुका है, और ये क्या है, ये हमारा खीर है। सो इसको हम लोग भी लेके जा रहे हैं हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर में एक अंकल रहते हैं, उनके यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तो हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। टेस्टी बना है ना? अंकल खिलाइए ना, खाते हैं। इस तरीके से आज हमने इस इमरजेंसी माहौल में, लॉकडाउन वाले माहौल में, हमने एक अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया है। सेलिब्रेशन बड़ा नहीं था, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, सब लोगों को अकेले अकेले रहना है, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा लोग गैदर नहीं कर रहे थे वहाँ पे। हम लोग सिर्फ तीन लोग थे, मैं, मेरी वाइफ और अंकल अकेले ही थे घर पे। तो हमने एक छोटा सा केक कटिंग कर लिया है, आई होप अंकल को अच्छा लगा होगा। हम दोनों को तो खैर ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया एंड एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि कुछ भी, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा मज़ा देती देती है। होपफुली आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट भी कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, एंड अगले वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।